सत श्री अकाल, यू ऑल आर वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। एंड व्हाट एल्स यू वांट व्हेन यू हैव सो मेनी टैलेंटेड, इनक्रेडिबली टैलेंटेड फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। एस आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्टथ्रॉब मोहित रैना, हु इज विद अस राइट नाउ, वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस, लुकिंग सो हॉट टुडे। टीना देसाई, वन एक्टर हु इज ऑलवेज नेचुरल एंड इनोसेंट एंड वेरी क्यूट, चॉकलेटी बॉय ऑफ द इंडस्ट्री, यस सत्यजीत दुबे, एंड टू वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस फेसेस, मेरी तो नजरें उनसे नहीं हट रही हैं, मृण्मयी देशपांडे, एंड ऑफ कोर्स वी हैव नताशा भारद्वाज विद अस। ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू, इतना बड़प्पन मतलब मेरे को मिल रहा है, इसलिए कि मैं पंजाब केसरी से पंजाबी में बात करनी है, इसलिए नहीं प्लीज यस। अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले कि मैं डॉक्टर्स वाले सवाल करने स्टार्ट करूं, है ना, ये इतने हॉट डॉक्टर्स कहाँ मिलते हैं? मतलब होटल इंडस्ट्री में तो मिलते हैं ऐसे इतनी गॉर्जियस ब्यूटीफुल वुमेन, बट ये डॉक्टर्स कहाँ से इतने हॉट और गॉर्जियस? मुंबई डायरी निखिल सर के शो, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको मिलते हैं, हमारे लिए ना मुंबई डायरी शोले है, एक कॉस्ट्यूम में हम पूरा सीजन निकाल देते हैं। अभी हमें थोड़ा अच्छा लगने का मौका मिलता है तो वी ट्राई अ लिटिल हियर एंड देयर, बट You are too kind, ma'am. Oh God, मतलब मोहित वहाँ और यहाँ में तो एकदम drastic change है, नहीं? बिल्कुल, जैसा कि सत्या ने बिल्कुल यही कहा, और मैंने भी realize किया कि actually हमारे पूरी series में दोनों both the times, I think एक या दो costumes में ही हमारी पूरी series खत्म हो गई है। आई थिंक सिर्फ एक एपिसोड 8 में पार्टी सीक्वेंस होती है जहाँ मुझे ब्लैक सूट पहनने का मौका मिलता है, सो आई थिंक उसके अलावा आई डोंट थिंक हमको मौका मिला किसी को भी, सो आई थिंक जैसे ही हम लोगों को चांस मिलता है तो हम लोग पूरा ये सब स्टाइलिस्ट का खर्चा थोड़ा बढ़ा देते हैं, नहीं क्योंकि वहाँ पे जब टचअप बोलते हैं ना सेट पे तो लोग मुंह पे पानी लेके, वो एम्बर पाउडर लेके, उसके बाद ब्लड लेके आ जाते हैं, सो टचअप इज हो गया। अगर आप निखिल आडवाणी के सेट पे हैं और अगर बारिश हो रही है, आप गीले हैं, तो ऐसा आपके मेकअप आर्टिस्ट या एडीज वगैरह के पुछ 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 वो पानी मारते हैं, निखिल आडवाणी बोलते हैं नहीं नहीं एक बाल्टी ऐसे करके डाल दो तो पूरा एक्टर को गीला कर दो। अच्छी बात है। अच्छा ना, कमिंग टू द कैरेक्टर्स, देखो दो साल हो गया ऑलमोस्ट, 2021 दिस वाज वन सीरीज दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वेरी ग्रिपिंग एंगेजिंग एज ऑफ द सीट थ्रिलर रही है, सो उसका सेकेंड सीजन आना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आई थिंक डबल हो जाती हैं, बट देन जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इवॉल्व होते हैं, तो डॉक्टर ओबेरॉय आपका किरदार कैसे इवॉल्व हुआ है? Well, I guess जब निखिल सर ने जब सेकंड सीजन इसका कमीशन हुआ था और राइटिंग टीम ने बैठ के जब पूरा राइटिंग इसको कंप्लीट किया था, तब निखिल सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, एंड आई मेट हिम एंड ही एक्सप्लेन इट टू मी व्हाट ही वाज लुकिंग एंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कौशिक ओबेरॉय। वो चाह रहे थे कि कौशिक ओबेरॉय को जिस तरीके से फर्स्ट सीजन में सबने देखा है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया जाए, सो ही वॉन्टेड मी टू प्ले कौशिक ओबेरॉय इन अ वे विच वॉजंट शोकेस्ड इन सीजन वन, और उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि राइटिंग जो हमारी कहानी की है इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत है कि उस सेकेंड सीजन में भी मेरे पास इतने एलिमेंट्स थे ऑलरेडी जिनको मैं पकड़ के चल सकता था और जिन एलिमेंट्स को यूज़ करके मैं कौशिक ओबेरॉय को जस्टिफाई कर सकता था, बिकॉज जहाँ भी ये कहानी से शुरू होती है हम दिखाते हैं दैट पोस्ट 2611 द फर्स्ट सीजन एंडेड, 9 months का लीप होता है, 9 महीने के बाद किस तरीके से कहानी शुरू होती है, सो उस 9 महीने में कौशिक ओबेरॉय बिकॉज ही डजंट हैव द लाइसेंस टू वर्क राइट नाउ, तो किस तरीके से वो घर पे बैठे हुए हैं अपनी वाइफ के साथ और सिर्फ लीगल बैटल लड़ रहे हैं, सो हाउ ए पैशनेट पर्सन व्हेन यू यू नो जब कहते हैं कि जब एक पैशनेट इंसान जो इतने सालों 22 घंटे काम करता है सडनली यू मेक हिम सिट इन अ रूम, ही इज बाउंड टू हैव इश्यूज, यू नो, सो ही इज फाइटिंग विद हिज ओन डीमंस, ही हैज गॉट डाउट्स, ही इज ऑन द बैक फुट, ही डजंट रियली नो दैट इज ही स्टिल केपेबल ऑफ हैंडलिंग पेशेंट्स, क्या वो सही से ऑपरेट कर पाएंगे, ही इज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, सो ऑल दीज एलिमेंट्स एंड ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच वी हैडन सीन इन सीजन वन बिकॉज ही वॉज आउट देयर एरोगेंट लिटिल हाइपर एक्टिव एंड यू नो ऑल द एलिमेंट्स दैट वी सीन We have seen in the first season, I think second में आपको एक completely drastic change देखने को मिलता है उनकी professional life में and as well as personal life में because he is expecting, they are expecting a baby together. Oh, wow. So I think all those elements make Kaushik Oberoi very interesting and very challenging for me to play. So how Tina, like Ms. Ghosh is supporting her husband in the series and आपका खुद का किरदार भी मतलब बहुत सारी complexities से होकर गुजरता है जब हम पहले season की बात करते हैं, the reality, the realistic thing that you have faced and it was surreal, right? Yeah.
It's more like what he said, you know, when the writing was done, to keep it interesting, to keep the audience engaged, they had to do something that was quite different. So my character is very strong and steadfast in her outlook in the first season, and that's kind of flipped in the second one. In the first season, she's already lost a baby. So now that she's pregnant again, she's extremely vulnerable and slightly in fear of anything going wrong. So she's very protective. So you see a softer side to her. And also in the first season, you didn't see very much about her personal life. It was all about her guests and about the hotel. Now it's entirely about my relationship with the husband and how we navigate this new journey in our life. So it was a lot of fun to play. It was a little bit more difficult, a little bit more effortful for me because I don't understand weaker characters or vulnerable characters as much. But that's what the fun is of this show, because it's it manages to keep it fresh. Even आपका तो बहुत ही fresh भी था और you played an intern kind of like fresh doctor जो काफी ज़्यादा जिसे tips भी चाहिए होते हैं, कभी-कभी confused भी हो जाता है और थोड़ा-थोड़ा उसका जो अपना journey दिखाया गया first season में that was really different. So how you have like changed in the second season? अभी तो आप intern से पूरे doctor बन गए होंगे नहीं? हाँ, पहला साल है अब. second year resident. Change जैसे हम ज़िंदगी में अपनी as time is passing we evolve, तो आपके किरदार भी evolve करते हैं. The beauty of second season is that कि आपको और flesh out करने का मौका मिलता है. पहले season में जहाँ पे he was struggling with his own demons inside कि whether am I good enough or not, okay, will I be able to pull it off or not. और अगर आप पहले दिन कहीं काम पे पहुँचते हैं और आपके सामने इतना बड़ा challenge आ जाता है, तो उन चीजों से बाहर आना. तो somewhere in second season I think Ahaan is coming out on his own. One thing I just wouldn't want to just talk about my character, but the entire cast, the principal cast, and even, you know, there's Aditi, there's Gauri Balaji, there's so many amazing characters. There is so much of dignity and grace in the actors and what they are lending to the character. That is incredible. That speaks about the spirit of Mumbai and the show. And here, Ahaan, somewhere, I feel he's the pillar for everyone. He's lending himself to everyone who's around. Whether it's the other two interns or whether it's Chitra's character. तो वो करने का जो मौका मिला, और बिकॉज जिस तरीके से हम शूट कर रहे थे, आई थिंक मोहित सेड इट रियली ब्यूटीफुली कि व्हेन योर रिटन मटेरियल इज सो गुड यू जस्ट हैव टू यू नो शो अप ऑन सेट एंड यू जस्ट हैव टू सरेंडर टू द प्रोसेस. एंड निखिल सर जो एक माहौल क्रिएट करते हैं सेट पर, उसमें यू आर जस्ट रिएक्टिंग देन एट एनी गिवन पॉइंट देर आर यू नो 100 पीपल इन्वॉल्वड. देर आर दी 6.5-7 minute टेक्स. यू कैन नॉट अफोर्ड टू यू नो मेक अ मिस्टेक. So more than pressure, it becomes your responsibility that if you've got that responsibility, you need to always come up with your game, which is really strong. Of course. So director तो obviously captain of the ship होते ही, और उनके कुछ commands भी रहते हैं. और आपके लिए क्या commands या क्या advices थी उनकी मृण्मयी? नहीं, वो एडवाइस देते नहीं है. वर्कशॉप में जितना होता है उतना है. उनके सामने अगर कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है, देन ही विल टेल यू कि भाई ये मत करो, ये करो. सेट के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू गेट कंफ्यूज्ड आल्सो, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम. यू आर डीलिंग विद 10 other things, like you have to come on your mark. There is water dripping from above, then the steady cam hai, aapke lambe lambe shots hai, aapko apne dialogues yaad karne hai, there are procedures to perform, there are we are treating medical patients terms, medical terms hai. To is hisab se na unko wahan pe time hi, kisi ko time nahi milta ki ek dusre ko bhi instruct kare. Only the good thing is we know each other so well, and we all have become really good friends also. So I know ki सत्या क्या करने वाला है. अगर मैंने कुछ गलत किया तो आई नो दैट मोहित विल कवर मी, नताशा विल कवर मी. तो वो एक कॉन्फिडेंस और वो आ गया हमारे बीच में, सो दैट वर्क्स. एंड द अदर थिंग इज आई टॉक अबाउट सुजाता कैरेक्टर एज वेल, क्योंकि सुजाता की पूरी बिलीफ सिस्टम ही हिल गई है. हर आइडॉल इज this fellow sitting of here this is तो वो पूरा है. अरे जर से नेम वैसे नहीं था. First you this fellow हाँ doing this आगे से आगे डॉक्टर कौशिक को भी आए जो कुछ नहीं कर पा रहे इस सीजन. नाम भी इतना सॉलिड दिया है ना डॉक्टर कौशिक को. Exactly. So her fight is different only. She is fighting against the every system order. With Kaushik Oberoi also. Boss, perform. I mean, don't follow protocols. That's not who you are. You should save life, and you're not doing that. So, बहुत ही layered character है हर किसी का. And you're out of line.
डॉक्टर को बयान देना था, बेटी जाके बोल के आई सब कुछ उलट पलट करके, ये अभी ही इज इन ट्रबल. सो शी इज फाइटिंग विद दिया ऑल्सो. वी हैव ब्यूटिफुल सीन्स टुगेदर. वी हैव ग्रेट सीन्स आई थिंक. एंड द थिंग इज आवर रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर ऑफ स्क्रीन. सो आई थिंक इट्स सुपर कूल. मतलब दिया से सवाल करना पड़ेगा या दिया खुद बताएंगे अब अपने किरदार के बारे में? जैसे सत्या ने बोला था आप बोलिए मत, वो पहले बता देंगे आपको. नहीं नहीं, सत्या बातें बहुत करता है ना. जी 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 जी, सत्या हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे. बट आज ही करेंगे चर्चा, टाइम हमारे पास आज का ही है चर्चा करने फिर इसके जस्ट आफ्टर दिस. बट आई थिंक सीजन वन में दिया का प्रिमाइस ही ये है दैट शी कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ प्रिविलेज. तो उसे कोई सीरियसली लेता नहीं है. लोगों को लगता है कि शी इज सो एंटाइटल्ड. एक एंटाइटल्ड इंसान की मेहनत नहीं देखते आप उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते. सो आई थिंक उसकी वो एक स्ट्रगल सीजन वन में थी और सीजन टू में भी है. बिकॉज देर आर न्यू इंटर्न्स जो आ गए हैं हु आर ऑल्सो थ्रोइंग देयर वेट अराउंड कि अरे शी इज एंटाइटल्ड, शी डजंट नो हाउ टू डू अ जॉब. बट डॉक्टर दिया इज समवन हु इज वेरी डेडिकेटेड. शी नोज हाउ टू डू अ जॉब, हर जॉब वेरी वेल, एंड शी वॉन्ट्स टू गो आउट देयर एंड सेव लाइव्स. सीजन वन में देयर वॉज इट एंडेड एट अ नोट वेयर इट वॉज एक्सट्रीमली लाइफ ऑल्टरिंग फॉर हर. शी लॉस्ट हर मदर, which who was the link, who was the kadi between the father and Diya. So ek jagah wo sambhal rahi hai. She is also trying to cope with her anxieties and depressions. Season 1 mein she was constantly maybe taking help of her pills, she was popping pills at all time. Season 2 mein she's worked on herself, she's gone through therapy. She is less anxious, lekin when your backdrop is something that heavy, aap वो एंग्जाइटी एंड वो डिप्रेशन किक इन होता रहता है. एंड हाउ शी स्टिल ट्राइज टू स्टेबलाइज हरसेल्फ, बिकॉज हर तरह से, जैसे मैंने ऑल्सो सेड कि मैं एक बयान देकर आई हूँ, क्योंकि सवाल एक बेटी से किया था, एक डॉक्टर से नहीं. तो वो सारे प्रेशर्स वो डॉक्टर ओबेरॉय से नजरें नहीं मिला पा रही है, विच इज़ एक्सट्रीमली यू नो वेरी ऑड फॉर हर. वो खुद नहीं समझ पा रही है कि हाउ शी इज सपोज टू बी विथ डॉक्टर ओबेरॉय. एंड आई थिंक इसमें एक ट्रैक है जहाँ आई एम डीलिंग विद अ पेशेंट जो एंड ऑल्सो टॉकिंग टू द पेरेंट्स, एंड आई थिंक इट एड्रेसेज आइडेंटिटी इशूज. तो आई थिंक उस चीज़ में रह के इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर दिया सबकॉन्शियसली. सो आई थिंक एक्सप्लोरिंग दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड निखिल सर ने बहुत ही बारीकी से उन चीज़ों को ध्यान में रखते, वी हैड एन इंटिमेसी कोच ऑल्सो ऑन सेट जस्ट टू टेक केयर ऑफ हाउ सेंसिटिवली वी टॉक अबाउट सर्टेन इश्यूज. सो आई थिंक इट वाज मुझे क्यों नहीं पता इस इंटिमेसी कोच के बारे में, हमको भी नहीं बताया, हमारे पास नहीं था वो कोच. आई जस्ट ऐड बाय सेइंग आई डोंट नो आपने कितने एपिसोड्स देखे हैं. मैंने सारे देखे आपने? लास्ट का मैंने पूरा देखा. यू सीन मच मोर देन सीजन 1. वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन 2. लास्ट नाइट वी हैड अ कास्ट स्क्रीनिंग, सो वी हमने दो एपिसोड्स देखे. एंड व्हाइल वाचिंग टू एपिसोड्स I realized, see the, how the writing has progressed so much. कि पहले वाले सीजन में कौशिक ओबेरॉय was the doctor and he had three interns. और अभी because he is not able to you know perform his duties and he comes to the office and he says कि अरे यार time निकल गया, मेरे तीन कहाँ हैं? And those three have become junior doctors and they also have two more interns. Oh God! And you know these three people they take the charge of the hospital. And I yesterday saw because obviously when they were shooting I wasn't there, so maine in teenon ki performance kal dekhi jab when they take care of the entire hospital and I was blown away by the way these three people were handling the entire hospital on their own. Aur wo bhi sirf pehle do episodes mein, aage kya hoga I don't know, but I think the audience is going to love them in the coming episodes for sure. Definitely, but doctors ka kirdar karna mujhe lagta hai apne aap mein bahut bada ek responsibility bhi hota hai na, ek overwhelming bhi ho jata hai as an actor bhi. So what extra research did you do second season ki agar baat kare, because characters jitna beautifully aap logon ne explain kiya, and even main aapke kirdar ke bare mein baat karna chahungi ki मतलब जितना निखिल सर ने लिखा है उससे और बेहतर तरीके से आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है. सो वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके ऊपर, लाइक व्हेन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी हो जाती है स्पेशली. सी अगर आप किसी प्रोफेशन को दिखा रहे हैं, सो यू हैव टू बी अ
slightly responsible to show them in the right way. So pehle wale season mein hamare paas Dr. Sheikh the who would make sure that hamari pronunciation, hamari techniques aur sab kuch thi. Second season mein unki jo wife hai, she specializes in certain things. She was present all the time with us because Tina aur meri jo ek track hai, jo kahani hai jisme aap dekhenge, unki bahut zarurat thi. So the point is that there was so much research done, there was so much homework done by the entire team. जो हमारा जो काम था वो सबसे कम था बिकॉज उन लोगों ने इतने समय तक डायलॉग्स लिखे थे, इतनी रिसर्च की थी, एक एक चीज पे, एक एक मिलीमीटर पे, सेंटीमीटर पे, हर चीज पे बैठ के प्रॉपर रिसर्च हुई थी. सो वी डिडंट हैव टू एनीथिंग, ट्रस्ट मी. अगर हम में से कोई भी बोलता है कि वी वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल क्रेडिट ऑफ दिस थिंग, वी डोंट, वी कैन नॉट, बिकॉज इट्स द एंटायर टीम एंड हिज विजन दैट ही चोज अस एंड ही लेट अस do what we wanted to do. Tina kitna homework karti hai when it comes to her characters? Kafi zyada, because I don't know anything about pregnancy. ye kya hua, ye kya hua, ye kya bola ja raha hai. So they're in the trailer. And I luckily have someone in my Bengali teacher actually who has been through a very similar situation that my character goes through. Very, very similar. So she was able to give me minute details of what goes through the mind more than the body and how to battle that and how to like face it and so on and so forth and how to behave. I also had strict instructions from many women in my life to not make pregnancy feel like a disability. It's just pregnancy. Wow. Very nice. So not to walk or sit or anything with any exaggeration. And also just basically how I can use pregnancy in physical movements. Like if I'm stuck in a car, what can I do? Breathing, the way I sit, the way... I had to do a whole lot of research on that, which I actually had fun doing. Because then when you look at it from a slightly external angle, then it's a little less resentful because otherwise I have a lot of problems with pregnancies. So that was fun. I have a personal... अभी टीना आपके सेम सवाल का जवाब हिंदी में देंगे. पंजाबी में भी चलेगा हमें. उसके लिए अलग कोच मंगवाने पड़ेंगे. Even my head won't know what I'm saying. But yeah, so that's the prep I had to do. Far more than what I had to do in season one, where it was a lot more like from within, just taking the anxiety that Nikhil creates on set and just like channeling that into this team. This one was actually a lot more. Only Tina को allowed था कि वो English में पूरे जवाब दे, बाकी में से किसी को भी allowed नहीं, या तो पंजाबी या तो हिंदी, है ना? तो सत्या, आपके जो मतलब जिस तरह से हम, अगर मैं as an actor बात करूँ, मैंने पहले भी आपसे कई बार बात की है, तो मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कि you're very particular about your characters, playing your characters, and especially when it comes to this character. So what all extra research that you do? मैं फिर से कहूँगा कि मोहित ने जिस किस्म से जवाब दिया ना उन चीज़ों का, कि इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत हमारी टीम ऑलरेडी कर चुकी है. लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने का कि ओके, अहान मिर्ज़ा एक ही कम्स फ्रॉम अ सर्टेन स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, वो एक काम कर रहा है, लेकिन उसके पहले वो एक इंसान है. अहान मिर्ज़ा की खुद की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके खुद के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके क्या डीमंस हैं, वो किन चीज़ों से फाइट कर रहा है, और फिर आपका प्रोफेशन आता है. तो ऑब्वियसली एज एन एक्टर ये मेरा जॉब है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कोई भी किरदार करूं तो उसको बहुत ही उसे डिग्निटी दूं, उसे ग्रेस दूं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके साथ उसे भर दूं. बट एट द सेम टाइम फिर जब सारी चीज़ें आती हैं, आप यू जस्ट नीड टू नो योर लाइन्स एंड डोंट बम्प इन टू द फर्नीचर बेसिकली. यू जस्ट बी प्रेजेंट एंड सरेंडर एंड डोंट एक्ट, जस्ट बी एंड थिंग्स विल फ्लो. गोइंग विद द फ्लो इज़ वन थिंग. या फ्लो मतलब वो जो नैरेटिव का फ्लो है, अपने फ्लो में घुसोगे तो फिर अकेले नहीं. एंड आप दोनों से भी मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब व्हाट ऑल एक्स्ट्रा डिड यू डू फॉर योर कैरेक्टर, न्यू डिस्कवरीज दैट यू. मैंने कुछ नहीं किया. हाँ, क्योंकि बाकी लोगों ने इतना रिसर्च करके रखा था, मैं खाली पढ़ रही थी यार स्क्रिप्ट को. क्योंकि स्क्रिप्ट में सब कुछ था. कैरेक्टराइजेशन के लिए रिसर्च की जरूरत नहीं थी. सीजन वन था, प्लॉटिंग रेडी था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो था, कितना इवॉल्व होता है कैरेक्टर उतना ही हमको उसकी क्या बोलते हैं ना कि वो देखना था कि कितने, हाँ, ग्राफ देखना, कहाँ किस हद तक जाना है, वो खाली डिसाइड करना था. बाकी मेडिकल टर्म्स रटनी थी, रट ली. शेख, डॉक्टर शेख वाज देयर टू हेल्प अस, वो कर लिया, वर्कशॉप कर लिया, बस हो गया. बट मुर्मेस परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन सीजन 2, आई कैन अश्योर यू. ओ वाओ. बट हमारे शो में जो स्क्रिप्ट है ना, वो रनवे है. हमारी फ्लाइट आ जाती फिर वहां से टेक ऑफ करती, क्योंकि ऑन द स्पॉट इतने इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है जो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता.
अच्छा, एक एक वर्ड अगर सबको देना हो सबके कैरेक्टर को, तो आप क्या देंगी नताशा? एक ही कैरेक्टर को, मतलब एज इन रियल लाइफ, नॉट एज रियल लाइफ, लाइक हमें हम, हाँ हाँ, सबसे पहले डॉक्टर ओबेरॉय से शुरू करते हैं. He's a court jester, I think. He's very character. His character, not him. No, no, his real life character. His real life. Mohit, Mohit. Mohit, हाँ. Yeah. एक दूसरे को देते हैं ना खुद के बारे में, कैसे अच्छा अच्छा बोलो. नहीं नहीं, मुझे दे दो. नहीं नहीं, वो नताशा से कह रही है कि हमारे बारे में, किरदार के बारे में कि इंसान के बारे में. इंसान के बारे में. He's a court jester. He's very funny. तीसरी है, hardly spend time with me. You all say nice things. I'm telling you. ब्यूटीफुल. नहीं, अभी तो टाइम स्पेंड किया ना, अभी वैसे तो कर ही रहे हैं ना टाइम. वेरी कॉन्फिडेंट. हाँ, मैंने तो दे दिया कि ना गुना, इट्स योर टर्न टू. सो शिट. एंड सत्य, टैलेंटेड शायर है भाई. अब तो शायरी करना पड़ेगा. आई लव शायरी. ये भगवान, ये कहाँ से आ गया? मेरा नाम भी है ना आहान, मिर्जा. सत्यजीत दुबे के नाम पे. पर दिल से भी बंदा शायर है, बहुत दिल का, बहुत अच्छा. मैं शायर तो नहीं, मगर हसीन जब से देखा मैंने तुमको, शायरी आगे वाला टाइप तो नहीं ना? नहीं है ना वो भी. तभी तो टिकट लेके इनका तो हो गया. अब हम दोनों बचे, यार दे दो यार कुछ. यार इतना सीरियसनेस है, कुछ तो रोमांस का एलिमेंट है. हां, तो एक शायरी तो कर ही दो यार. हमारे पंजाब केसरी की भी उसको बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर. अच्छा जी. हां, इतनी खूबसूरत लड़की है आपके, मतलब साथ में रेड एंड देन ब्लैक एंड दैट कलर आल्सो आई एम लाइकिंग वेरी मच. With white. ये मैंने कुछ लिखा था कुछ समय पहले. इट्स जस्ट, मैं लंबी वाली में नहीं जाऊंगा, छोटी वाली चलेगी. छोटी. इतना जो सोचता है तू, क्या सोचता है तू? सोच को जो कर गया तो सफर आगे बढ़ गया. क्या बात है. देखो, मैंने ना बोला था. वाह, ये मतलब अंदर की हिडन टैलेंट्स बाहर आने चाहिए ना. प्लीज ट्रांसलेट बाद में इसके. अब नताशा और मृण्मयी के बारे में आप लोग को भी बताना है ना. मृण्मयी इज एक्सट्रीमली, इसको तो मैं मल्टी टैलेंटेड बोलता हूँ. Achha. I was about to say that. Yeah. Haan, इन्होंने कह दिया. Writing, direction, okay. Dancer, yes, yes, anchor. Yeah. 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 I think Natasha has this really incredible. कुछ चीजें होती है ना आप जो spot नहीं, X factor जिसे कहते हैं. X factor. हाँ. With Mohit, I think there are very few people who have such incredible screen presence. Yeah. वो frame में आएंगे वो इंसान और उनको आपकी नजर नहीं हटती because. जिन्होंने सबके बारे में बताया मोहित एंड टीना, क्या बोलेंगे नताशा के बारे में? Flamboyant. Wow. Like I like her flair. Oh, wow. I love it. Yeah. I think love expressive it. If I have to choose a word. She expresses herself. Yes. Without any filters. Again, dil ki bahut achhi hai, saaf bandi hai yaar. Sahi bandi hai. I was just gonna say sahi bandi. Sahi bandi hai. I was gonna say this from Runmai. She's like, I call her my older sister. On like set PB, when I would, you know, season one, to both of us used to share vanities and hum log beech mein wo khol dete the, and we would just talk and I would see her. Yeah, we would dance. We would see, I would learn Marathi from her. And agar kuch set pe hota tha, main pareshan ho jati thi. She's like, Mrunmayi, and she'd be like, koi baat nahi. And she'd talk to me in Marathi. And mujhe samajh aa jata tha because I'm like, I know what the emotion is. So I think she's... She's a gem of a person, like. And one word for the interviewer also. Stunning. बस पंजाबी में बात कर दो, मैंने start कर दिया बस अभी. अफलातून. कड़क. हे भगवान. चाय की याद आ गई मुझे कड़क से. Very warm and memorable. Thank you so much, all of you for talking to us in Punjab Kesari Navoday Times. मतलब पीछे से ऐसा इतना आ रहा है कि मुझे लगा हे भगवान मुझे attack ना आ जाए. Trust me, this has been the most fun interview so far. Yeah. Well, thank you everyone for talking. Thank you so much. Thank you. And thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navoday Times.